नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशांत वत्स। अब समय हो चला है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर रुख कर तो आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जाति के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के कई नेता राहुल गांधी को घेरने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने भी राहुल गांधी को बुरी तरह घेरा है। गिरिराज सिंह ने उन्हें सबसे बड़ा झूठा आदमी बताया। वहीं राहुल गांधी के ईडी वाले दावे पर भी सवाल उठाए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुझे लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संसद में संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। और अगली खबर की ओर चलते आपको बता दें, बिहार के पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। गुजरात और दूसरी जगहों पर भी ऐसे मामले सामने आए हैं। मेरा मानना है कि ये परीक्षा को रद्द होना चाहिए और मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। 20 साल में किस किस ने पेपर लीक किए हैं और उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक नई नीति बना देनी चाहिए जिसमें आने वाले समय में पेपर लीक ना हो और ऐसे करने वालों पर कठोर सजा मिले। और तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई थी। अब ईडी ने पीड़ित महिला को पूछताछ के लिए बुला लिया है। वहीं पीड़ित महिला ने दोनों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसमें ईडी ने अपनी जांच आगे बढ़ा दी है। अगली खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण के वर्ग कारण का विरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि वंचितों के साथ आज भी न्याय नहीं हो पा रहा है। वंचित आदिवासियों में क्रीमी लेयर का मामला नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एनडीए की सरकार पर भी निशाने साधे हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते आपको बता दें, दिल्ली कोचिंग हादसे पर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने दो टुके जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं पर फेमस टीचर को आगे आकर बोलना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने छात्रों को संदेश दिया है कि छात्रों को प्रसिद्ध शिक्षकों के नाम पर एडमिशन लेने की बजाय सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी बिहार की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पब्लिक एशिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।